हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पी एन टिक्स। फ्रेंड्स, आज का हम टॉपिक उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम टिक्स से याद करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह भी बहुत छोटी सी वीडियो, वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को भी आप इजीली ही हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के जितने भी यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके क्षेत्रफल के अनुसार हम इनको सभी को यहाँ पर इनके घटते हुए क्रम में इसको याद करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी ट्रिक को देखेंगे और उससे याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यह छः इनके राष्ट्रीय उद्यान है, वो इन सभी का यहाँ पर क्षेत्रफल भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक गंगोत्री, इसका क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए यह है 2390 वर्ग किलोमीटर। ओके, यहाँ पर देखिए यह है राजा जी और इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर है नंदा देवी, इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर है फोर्ट कार्बेट, इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। और यह है फिफ्थ गोविंद, इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। सिक्स्थ यहाँ पर फूलों की घाटी, इसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर। इसका यहाँ पर इनको हम ट्रिक से याद करने वाले हैं, चलिए इसकी ट्रिक को देखते हैं और उसको याद करते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है गिरौन का गोविंद फूल। अब इसके फॉर्म देखते हैं, इसके बाद इसको याद करते हैं। देखिए यहाँ है गिरौन, ठीक है, इस गी से हो गया है गंगोत्री। ओके, इस रो से हो गया है राजा जी। ठीक है, इस ना से हो गया है नंदा देवी। ओके, और यहाँ पर का से हो गया है कार्बेट, और इस गोविंद से हो गया है गोविंद। ओके, और यहाँ पर फूल से हो गया है फूलों की घाटी। ओके, देखिए यहाँ पर इस ग्राउंड का अर्थ क्या है, ये समझ लिए कि एक क्या है ग्राउंड है, तो ग्राउंड यानी कि गिरौन। ठीक है, इस ग्राउंड को गिरौन बोला जा रहा है। ठीक है, तो गिरौन का गोविंद फूल, ठीक है, तो किसी गोविंद नाम के व्यक्ति को बोला जा रहा है कि गिरौन का गोविंद फूल। तो ये एक फूल था, वह किसका फूल था, गोविंद को बताया जाए कि वह फूल गिरौन का है। ठीक है, गिरौन का गोविंद फूल। ठीक है, इस प्रकार से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान का अर्थ क्या होता है, पार्क। ठीक है, पार्क में क्या होते हैं, फूल, है ना, तो उस फूल से ही आपको इसको याद रखना है। ठीक है, उद्यान का अर्थ हो गया पार्क, और पार्क यहाँ पर देखिए गिरौन, गिरौन यानी कि ग्राउंड, कोई ग्राउंड है उसी को गिरौन बोला जा रहा है। ठीक है, वह ग्राउंड कैसा है, यूँ समझ लीजिए वह पार्क का ग्राउंड है। ठीक है, तो पार्क आपको यहाँ उद्यान से पार्क याद आएगा, पार्क से ग्राउंड याद आएगा, ग्राउंड से यहाँ पर गिरौन याद आएगा। इसी से यह ट्रिक यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, गिरौन का गोविंद फूल। ठीक है, फूल है कहाँ पर, गिरौन में। ठीक है, या फिर यहाँ पर उद्यान से पार्क याद आएगा, पार्क में फूल है। ठीक है, तो गिरौन का गोविंद फूल, गोविंद नाम के व्यक्ति को बोला जा रहा है। बस आपको ट्रिक को स्टार्ट करना है कहाँ से, गिरौन से। ठीक है, गिरौन को हमने रिलेट किया ग्राउंड से, ग्राउंड कहाँ से है, यह पार्क से रिलेट है। ठीक है, यानी कि यह मैदान कहाँ का है, पार्क का। चलिए अभी यहाँ पर हम इसको सेकंड ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको यह डिफ़िकल्ट लग रही हो, वो ट्रिक ईजी लगे। ठीक है,
तो यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक और ट्रिक ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम ट्रिक सेकंड। ठीक है, अभी देखिए ट्रिक है। आपने यदि इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान और इनके गठन की, ठीक है, तो उससे आपको यहाँ पर इस ट्रिक को समझने में बहुत ही सहायता मिलेगी। ठीक है, देखिए हमने उसमें भी KGF लिया था ना, KGF कोई मूवी थी, ठीक है, तो उसी KGF को यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, KGF ट्रिक थी उसमें, KGF और यहाँ पर N था और यहाँ पर RG। ठीक है, इसका इसको हमने किस प्रकार समझा था आप उस वीडियो में आपको देख सकते हैं। वह यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, यानी कि इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके इजीली देख सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पर इसकी सेकेंड ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए हमने उसमें क्या किया था, KGF को स्टार्टिंग में लिखा था, अभी हम यहाँ पर इस KGF को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि ये इसका एंड छोर है और स्टार्टिंग छोर इधर से होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने KGF यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने NRJ लिखा था ना उसमें, तो NRJ हमें यहाँ पर किस प्रकार से दर्शाना है वह देखना है। ठीक है, तो यह था NRJ। तो फ्रेंड उस वीडियो में हमने इस NRJ को किस प्रकार से दर्शाया था और यहाँ पर हमें इसको किस प्रकार से दर्शाना, अभी देखिए KGF वहाँ पर था और यहाँ पर भी है। ठीक है, वहाँ स्टार्टिंग में था, यहाँ पर ये क्या है लास्ट में, और ये NRJ कहाँ था वहाँ उस वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं कि यह कहाँ दर्शाया गया था। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसको यहाँ पर स्टार्टिंग में ले रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए NRJ इसका अर्थ है वहाँ पर नाराज, यहाँ पर भी हम नाराज समझ लेते हैं। ओके, KGF कौन, KGF क्या था कि नाराज था। ठीक है, तो NRJ, ठीक है, यह है ना, अभी हम इसको यहाँ पर उल्टा कर देते हैं। ठीक है, GRN, ओके, उसमें हमने NRJ दर्शाया था, यहाँ पर हम GRN दर्शाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इसको G को लिखते हैं, फिर R को, फिर N को। ओके, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। चलिए अभी यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसको किस प्रकार से याद रखा जाएगा। देखिए जी से हो गया यहाँ पर गंगोत्री, ओके, आर से हो गया यहाँ पर देखिए राजा जी, ठीक है, एन से हो गया यहाँ पर नंदा देवी, ओके, और इसके ऐसे हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बेट, और इस जी से हो गया गोविंद, है ना, और इस एफ से हो गया फूलों की घाटी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। देखिए वहाँ पर हमने उस ट्रिक में क्या दर्शाया था और किस प्रकार से दर्शाया था, देखिए चलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए हमने उसमें KGF लिया था, ठीक है, तो KGF हमने ऐसे लिखा था। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर नाराज लिखना था। ठीक है, नाराज यहाँ पर देखिए शायद अच्छे से ना दिख रहा हो, ये देखिए, ठीक है, KGF और हमें नाराज लिखना था, तो नाराज हमने क्या किया था, इस एफ के पहले यहाँ पर एन लिखा था और इसको RG यहाँ पर लास्ट में कर दिया था। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए KGF ये हो गया और यहाँ पर ये NRJ था, इसको हमने क्या किया उल्टा कर दिया, GRN। ओके, अभी ये कर दिया, इसकी फुल फॉर्म हमने देख ली। यहाँ पर देखिए ये क्या है जी और ये क्या है जी, तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से आप याद रखें कि यह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए यह जी है ना, तो इस जी में क्या है, देखिए KGF, KGF का जी है ना, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि यह जी कौन सा है, KGF वाला। KGF में क्या है कि एक एक्टर है। ठीक है, इस जी का यहाँ पर देखिए जो फुल फॉर्म है वह क्या है, गोविंद। ओके, क्या है, गोविंद, ये वाला गोविंद है ना, तो ये गोविंद, गोविंद से आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको गोविंदा कर लेना है। ठीक है, गोविंदा भी क्या है, एक एक्टर है। ओके, तो KGF में एक एक्टर है और इस यहाँ पर देखिए यह जी है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो गया गोविंदा, तो गोविंदा भी एक एक्टर है। ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको इजीली याद रख सकते हैं कि इस जी का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा, गोविंद। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी यह दो ट्रिक हो गई, आप इन दोनों ही ट्रिक से जो भी आपको ये लगे उससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पहले कम प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।